हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु आन अकेडमी लाइव पर स्वैग से आपका स्वागत करता हूं चलिए आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे आने वाले सीएचएसएल के लिए और सीजीएल 2020 के लिए सीजीएल 2020 के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वहां पर भी ये करंट अफेयर देखने को मिलेंगे और आप सभी को पता ही है करंट अफेयर सिलेक्शन जो होता है आपके जी गुरु का वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है तो ध्यान से पढ़ना समझना आज हम लोग करंट अफेयर एक से लेकर दस जून तक के करंट अफेयर अभी तक के मतलब आज तक के पिछले दस दिनों तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को मेरी आवाज़ वगैरह बराबर से आ रही है ना सबको आवाज़ तो क्लियर है ना मेरी एक बार देख लूँ कन्फर्मेशन दे दीजिए आप सभी लोग आवाज़ क्लियर है जी हाँ बिल्कुल सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी सेम है आवाज़ क्लियर है ओके चलो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है नाबार्ड ग्रैंड्स हाउ मच अमाउंट टू वेस्ट बंगाल वाइल 2021 फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स एंड पुअर क्वेश्चन का मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन परेशान मतों क्वेश्चन हिंदी में भी समझते हुए चलेंगे ठीक है क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कि हिंदी में समझते हैं मतलब को उनके लिए हिंदी भी समझते चलेंगे क्वेश्चन का हिंदी में यह मतलब है कि अभी हाल ही में नाबार्ड के द्वारा वेस्ट बंगाल के किसानों और गरीबों के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है 2021 तक के लिए तो नाबार्ड के द्वारा 1050 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करी गई है वेस्ट बंगाल के किसानों और गरीबों के लिए ध्यान रखिएगा 2021 तक के लिए नाबार्ड का हेडक्वार्टर क्या है नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई नाबार्ड की स्थापना उन्नीस में करी गई थी और नाबार्ड के अभी पिछले ही महीने नए सीईओ अपॉइंट किए हैं चेयर पर्सन भी आप इन्हें बोल सकते हो ये अपॉइंट किए गए हैं गोविंद रजलू गोविंद रजलू चिंताला क्या नाम है गोविंद रजलू चिंताला ये इनका पूरा नाम है इन्होंने किसको सक्सीड किया इन्होंने सक्सीड किया था हर्ष कुमार बनवाला को हर्ष कुमार बनवाला देखो ये जो साथ में जो अपॉइंट किया जाता है ना वो किसको सक्सीड कर रहा है ये भी ध्यान रखा करो एग्जाम्पल के तौर पर आप में से जिन लोगों ने इस बार एस एस सी सी दिया था उन लोगों को ये पता होगा कि एस एस सी सी ने इस बार ये नहीं पूछा कि यस बैंक के नए सी ई कौन अपॉइंट किए गए एस एस सी सी ओ ने सी ने यह पूछा कि यस बैंक में प्रशांत कुमार ने किसकी जगह ली है मतलब किसको सक्सीड किया तो आंसर था वहाँ पर क्या रवनीत गिल तो इस वजह से यह जरूर ध्यान रखा करो इससे पहले कौन थे सक्सीड किसको किया तो ध्यान रखना है हर्ष कुमार बनवाला को अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी की यहां पर सरकार है और यहां पे गवर्नर कौन है जगदीप धनखड़ जगदीप धनखड़ अब एक चीज और ध्यान रखना ममता बनर्जी की सरकार ने में पिछले महीने एक, एक स्कीम लॉन्च करी है इस स्कीम का नाम है मातृ स्मृति योजना मातृ स्मृति योजना इस स्कीम के तहत ममता बनर्जी की सरकार वेस्ट बंगाल में छह डिस्ट्रिक्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट में पचास हजार एकड़ जमीन एक्वायर करेगी फिफ्टी थाउजेंड एकड़ जमीन और पचास हजार एकड़ जमीन में बागवानी कराएंगे और फिशरीज कराएंगे मतलब मछली पालन कराएंगे और फूलों और सब्जियों की खेती कराएंगे जिससे ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा ये पूरी स्कीम क्या कहला रही है मातिर स्मृति योजना कहला रही है जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है अगला क्वेश्चन है इसको बोलते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देना आज हम लोगों ने क्लास शुरू होते ही पहले ही क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ इन इंडिया हैज बिकम रेज फ्रॉम थर्टी बिलियन डॉलर टू हाउ मच आफ्टर मे ट्वेंटी आपसे कह रहा है भारत में एफ जो है ये रेज हुआ है मे के जस्ट बाद 31 मई के जस्ट बाद एक रिपोर्ट आई जिसके तहत यह बताया गया कि भारत में जो एफ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यह बढ़ गया है 36 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना पहुंच गया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या कोई इसका आंसर बता सकता है यह बढ़कर कितना पहुंच गया है बिल्कुल सही बिल्कुल सही दीपक का आंसर सही है और भी लोग जो लोग फोर्थ आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है तिहत्तर बिलियन हो चुका है इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया इस वेबसाइट का यू आर एल क्या है आपको ध्यान रखना है इस वेबसाइट का यू आर एल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉट जी ओ वी डॉट इन सोथर्डम इज द करेक्ट आंसर और इसको किसने लॉन्च किया इसको लॉन्च किया गया रविशंकर प्रसाद के द्वारा जो कि आई टी मिनिस्टर है फॉलोइंगेज बीन नॉमिनेटेड टू द डेलिमिटेशन पैनल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू असिस्ट इन रीड्रॉइंग पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझ लो क्या बोल रहे हैं पहले <coughs> आपसे कह रहा है इन चारों में से यह कौन है जिनको अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने के लिए देखो हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाइफर केट कर दिया गया पिछले साल ओके इकत्तीस अक्टूबर से ये ऑफिशियल हो गया था अब उसके बाद जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जा रही हैं ठीक है विधानसभाएं बनाई जा रही हैं तो ये जो जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्युएसीज बनाई जा रही हैं इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई इस कमेटी में पांच मेंबर बनाए गए हैं ठीक है थीके? तो ये पांच मेंबर कौन कौन से हैं पहले हैं जितेंद्र सिंह दूसरे हैं जुगल किशोर शर्मा तीसरे हैं हसनैन मसूदी चौथे हैं मोहम्मद अकबर लोन और पांचवें कौन है पांचवें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये है फारूक अब्दुल्ला क्योंकि फारूक अब्दुल्ला इसलिए इंपॉर्टेंट है में क्योंकि ये तो गिरीश है? है चंद्र मुर्मू और एक चीज ध्यान रखिएगा अगर जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेनी है तो नए प्रोविजन के हिसाब से कम से कम कितने साल जम्मू कश्मीर में आपको रहना होगा ध्यान रखिएगा कम से कम पंद्रह साल जम्मू कश्मीर में आपको रहना होगा ठीक है एक तो यह कंडीशन है साथ में और की कंडीशन है या तो पंद्रह साल जम्मू कश्मीर में आपको रहना होगा या तो फिर सात साल लेकिन सात साल की कंडीशन तब एप्लीकेबल है जब आपने टेंथ और ट्वेल्थ दोनों यहीं से पास आउट किए समझ गए बात को तो ये दो कंडीशन है नए प्रोविजन के हिसाब से तब आपको जम्मू कश्मीर में नागरिकता मिलेगी विच स्टेट हैज डिमांडेड अ कोविड नाइनटीन नेगेटिव सर्टिफिकेट फ्रॉम पीपल अराइविंग थ्रू रोड एयर एंड रेल ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में डिमांड करी है कि भैया राज्य के अंदर तभी घुसने देंगे जब कोरोना वायरस नेगेटिव सर्टिफिकेट होगा कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अंदर नहीं आने देंगे यह है प्रमोद सावंत की सरकार गोवा सरकार इनके द्वारा यह फैसला लिया गया अगर आप गोवा जाते हो तो गोवा में चाहे आप रेल फैसिलिटी से जा रहे हो एयर फैसिलिटी या रोड फैसिलिटी हर तरीके से हर बॉर्डर पे आपका चेकअप होगा चेकअप के नौ घंटे बाद रिजल्ट आएगा रिजल्ट अगर आता है पॉजिटिव तो आप हॉस्पिटल जाओगे अगर नेगेटिव आता है तो आप कहाँ जाओगे होटल में जाओगे चौदह दिन के क्वारंटाइन में आप चाहे गोवा के रहने ही वाले क्यों ना हो आपको पहले होटल जाना है चौदह दिन के लिए क्वारंटाइन में घर नहीं जाना है चौदह दिन का क्वारंटाइन सर्व करना है फिर से एक टेस्ट होगा और उसके बाद आपको घर जाने की इजाजत मिलेगी तो ये है गोवा सरकार और यहां पे गवर्नर कौन है है सत्यपाल मलिक वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है यहां पे गवर्नर है जगदीप धनखड़ उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है यहां पे गवर्नर है गणेशी लाल उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है और यहां पे गवर्नर है बेबी रानी मौर्य अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हैज साइंड एन ऑर्डर टू रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्वेश्चन का मतलब समझो पहले क्या बोल रहा है आपसे कह रहा है यह कौन सा लीडर है इनमें से जिसने एक ऑर्डर पास किया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके देश में वो ये रेगुलेट करेंगे यह है डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएस में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई भी ऐसा कंटेंट ना आने पाए जो कि यूएस की आवाम के लिए या फिर यूएस की सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल हो या फिर उसकी ट्रेडिंग के लिए हार्मफुल हो स्पेशली यहां पर बात हो रही थी चाइना की समझ गए बात को एक बात वैसे आपको बताऊं कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ने भी यही अपील करी थी फेसबुक गूगल और ट्विटर से लेकिन उन तीनों ने उल्टा पाकिस्तानी सरकार को धमकी दे दी कि अगर आप ये चाहते हो कि फ़िल्टर डेटा हम लॉन्च करें तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे इवन पाकिस्तान में सर्विसेज भी बंद कर देंगे लेकिन यूएस सबसे बड़ी क्योंकि इकनॉमी है जाहिर सी बात है तो डोनाल्ड ट्रंप रेगुलेट भी कर सकते हैं और आफ्टर ऑल ये सारी कंपनियाँ अमेरिकन कंपनीज़ हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड अभी इसी महीने पिछले हफ्ते पावर कॉरपोरेशन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एम डी के रूप में किस को अपॉइंट किया गया है बता सकते हो बताइए जल्दी से कौन कौन बता रहा है किसी का आंसर आ रहा है हरलीन का आंसर सबसे पहले सुभाजीत का भी आंसर सही है बबिता प्रमोद प्रियंका सभी का आंसर सही है बिल्कुल सही आंसर यह है रविंदर सिंह ढिल्ल ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ट्विटर लेबर्ड विच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर ट्वीट एज मिस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूं हिंदी में क्या बोल रहा है आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा लीडर है ठीक है जिसको मिसलीडिंग लीडर के तौर पर ट्विटर ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया है एक्चुअली हुआ क्या यह है डोनाल्ड ट्रंप ठीक है डोनाल्ड ट्रंप ने दो ट्वीट किए थे एक ट्वीट इन्होंने चाइना के खिलाफ किया था ट्रेडिंग को लेकर दूसरा ट्वीट किया था कि चाइना कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहे अगर कोविड 19 की रूट्स वहां से मिली ठीक है तो ये दोनों चीज़ें एक तरीके से धमकी थी चाइना सरकार को जिसको लेकर ट्विटर ने क्या किया इनके दोनों ट्वीट्स को डिलीट कर दिया और साथ में डोनाल्ड ट्रंप को ही मिसलीडिंग लीडर के रूप में डिक्लेयर किया है अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ट्विटर ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है ट्विटर चार महीने पहले ही यह अनाउंस कर चुका था यह गाइडलाइन ऑफिशियल निकाल चुका था कि ट्विटर कोई भी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट को या पॉलिटिकल पोस्ट को प्रमोट नहीं करेगा ओके तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को मिसलीडिंग लीडर के रूप में इन्होंने डिक्लेयर किया है ट्विटर की बात करें तो साल दो में इसकी स्थापना करी गई थी ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी कौन है जैक डॉर्सी ओके अगला क्वेश्चन है और इसका हेडक्वार्टर क्या है कैलिफोर्निया नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज हैजाउंस द टर्मिनेशन ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद डब्लू एच ओ ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक क्वेश्चन का मतलब यह है कि भाई ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि जो कोरोना वायरस है कोरोना वायरस को डब्ल्यू एच ओ अगर ट्रीट नहीं कर पा रहा है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो कोविड नाइनटीन को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो इनके होने का कोई सेंस नहीं बनता और सेंस नहीं बनता तो हम इनसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते यह है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ही अनाउंस किया कि डब्ल्यू से आगे यूएस कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता है क्योंकि इनके होते हुए कोविड नाइन्टीन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कोई सेंस भी नहीं बनता है यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन चाइना कैपिटल है बीजिंग फ्रांस की कैपिटल है पेरिस इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रॉन यूएस के हैं डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के शी जिनपिंग अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज एक्वायर्ड 24.19 परसेंट स्टेक्स इन डिस इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में डिस्क टीवी में चौबीस दशमलव एक नौ परसेंट स्टेक खरीद लिए हैं बता सकते हैं यह कौन सा बैंक है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से उसके बाद फिर मैं बताता हूं या तो जल्दी बताओ भाई जल्दी से बताइए यस बैंक बिल्कुल सही बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आ रहे हैं सभी के ये है यस बैंक अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो यस बैंक ने डिस में चौबीस दशमलव एक नौ परसेंट स्टेक खरीद लिए ठीक है यस बैंक की बात करें तो साल 2004 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था यस yes, बैंक के अभी कुछ टाइम पहले नए सीईओ बनाए गए हैं कौन प्रशांत कुमार यस yes, बैंक का हेडक्वार्टर क्या है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई ठीक है यस बैंक के नए सी भी अपॉइंट किए गए हैं ये कौन है यह है नीरज धवन नीरज धवन अब टीवी की बात करें तो टीवी का हेडक्वार्टर है नोएडा डिस्ट टीवी की स्थापना साल 2003 में करी गई थी और डिस के सीईओ कौन है इनका नाम है अनिल दुआ अनिल दुआ ठीक है कोई कंफ्यूजन तो नहीं अब ओके बाकी एक्सिस बैंक एच और आईसीआईसीआई तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई है एक्सिस बैंक के सीईओ आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी एच बैंक के हैं आपके आदित्य पुरी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च ऐप जिसका नाम है सोदार सोदार नाम का मोबाइल ऐप अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से सोदार नाम का मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है कैन यू प्लीज टेल मी जल्दी से बताइए दीपक पॉइंट स्टडी सुभाजीत हर्ष प्रियंका सभी के आंसर सही है नवजीत विनीत सभी के आंसर सही है यह है गूगल अब देखो गूगल ने जो सोडार नाम का ऐप लॉन्च किया है इसकी खास बात पता है क्या है यह देखिए इसका क्लोजर दिख रहा है यह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ऐप इन्होंने लॉन्च किया है या आपके मोबाइल में अगर डाउनलोड आप कर लेते हो तो इसमें आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो यह देखिए जैसे दो मीटर की डिस्टेंस लगी हुई है तो आप जितनी डिस्टेंस चाहते हैं दस मीटर तक आप जा सकते हो दस मीटर तक की आप डिस्टेंस लगा सकते हो आप लोगों से जितना दूरी मेंटेन करना चाहते हो अगर सपोज आपने दो मीटर मेंटेन कर रखी है तो दो मीटर के आसपास जैसे ही कोई भी आएगा यह अलार्म देने लगेगा यह आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि कोई आपसे दो मीटर की रेंज में अंदर पे है रेडियस पे ठीक so, है तो ये लॉन्च किया किसने गूगल ने गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया गूगल की स्थापना उन्नीस में करी गई थी और गूगल के सीईओ कौन है सुंदर पिचई सुंदर पिचई वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ऑन विस डेट वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे हम लोगों ने किस दिन मनाया इकतीस में तीस में उन्तीस में या अट्ठाइस में आंसर करिए जल्दी से आंसर करिए विच वन इज द करेक्ट आंसर ये हम लोगों ने किस दिन मनाया आकाश रॉय बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपकी स्माइलीज हैं आकाश रॉय आंसर करिए दूसरे क्वेश्चन का आकाश अबीर बिल्कुल सही सभी के आंसर सही हैं। 29, 29 मई को मनाया इससे भी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है इस बार की सी, थीम साल 2020 की डाइजेस्टिव हेल्थ डे की थीम थी गट माइक्रोबायम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ठीक है यह ध्यान रखना ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थीम है मैंने आपको पहले बताया हुआ है थीम जो थोड़ी सी लंबी होती है दो या तीन स्टेटमेंट की होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है एस कभी नहीं पूछता लंबी थीम दो या तीन स्टेटमेंट की इस तरीके की थीम एस पूछता है तो ध्यान रखिएगा इसकी थीम लॉन्ग डिस्टेंस रनर इनका नाम क्या है इनका नाम है किरणजीत कौर अभी हाल ही में इनको चार साल के लिए बैन कर दिया गया वाडा की तरफ से वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है वाडा का फुल फॉर्म आपका होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी तो वाडा के द्वारा चार साल के लिए किरण जीत कौर को बैन कर दिया गया पॉजिटिव पॉजिटिव फाइंड क... ये पाई गई थी इनके डोप टेस्ट में में तो ये कहां पर कौन सी कंट्री में इनका टेस्ट हुआ था इनका टेस्ट हुआ था कतर में ठीक है अब देखो इनको अभी बैन किया गया है पिछले ही हफ्ते लेकिन इनके ऊपर इंक्वायरी कब बैठी थी अभी टेस्ट ये नहीं हुआ ये टेस्ट हुआ था 15 दिसंबर 2019 को उसके बाद इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी थी अभी पिछले छह महीने से इंक्वायरी चल रही थी और अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते रिजल्ट आ गया और इनको चार साल के लिए वाडा की तरफ से बैन कर दिया गया कतर की कैपिटल है दोहा सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद यूएई की कैपिटल है धाबी ईरान की कैपिटल है तेहरान ईरान ने अभी एक नई करेंसी लॉन्च करी है यह करेंसी कौन सी है इस करेंसी का नाम है तोमान क्या नाम है तोमान ये जो तोमान ईरान ने लॉन्च करी है ये तोमान किसको रिप्लेस कर रही है ये रियाल को रिप्लेस कर रही है रियाल एक रियाल इज इक्वल टू हाउ मस तोमान या फिर आप बोल सकते हो वन तोमान इज इक्वल टू वन तोमान इज इक्वल टू टेन थाउजेंड रियाल टेन थाउजेंड रियाल ओके तो ये चीज ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इस वाले कोर्स में आप लोगों रजिस्टर कर चुके हो ना खुद को जिन लोगों को नहीं पता उनको भी बता देता हूं जीएस गुरु बैच चल रहा है जीएस अगर कंप्लीट करनी है तो इसमें रजिस्टर कर लो आप लोग इसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ एस एस लीजेंड भी चल रहा है बारह से लेकर डेढ़ बजे तक ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी हाल ही में ये कौन सी डेट है जिस दिन हम लोगों ने विश्व दुग्ध दिवस मनाया इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड मिल्क डे तो वर्ल्ड मिल्क डे हम लोग किस दिन मनाते हैं बताओ जल्दी से वर्ल्ड मिल्क डे और इस बार की हमारी थीम क्या थी साल 2020 की थीम थी द द्वेंटी एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे पता ही जल्दी से वर्ल्ड मिल्क डे विश्व दुग्ध दिवस हम लोगों ने किस दिन मनाया बहुत बढ़िया कुछ लोग एक जून बोल रहे हैं पक्का लॉक कर दूं देख लो फिर मत बोलना फिर मत बोलना वैसे एक जून सही आंसर है ठीक है एक जून इज द करेक्ट आंसर एक जून को ही मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस एक क्वेश्चन आपसे पूछता है एक मई को एक मई को कौन सा दिवस मनाते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर जैसे एक मार्च को नो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं वैसे एक मई को कौन सा दिन मनाते हैं फर्स्ट ऑफ मई को फर्स्ट ऑफ मई को कौन सा दिवस मनाते हैं बताइए जल्दी बहुत बढ़िया लेबर डे लेबर डे हेमलता का आंसर सही है लेबर डे सारे एकदम चीते हो रखे हो इस टाइम पे हैं सही है यह है लेबर डे नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते ये कौन से क्रिकेटर हैं जिनको बीसीसीआई की तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए रिकमेंड किया गया है ध्यान रखना ये हैं रोहित शर्मा रोहित शर्मा को किसके लिए राजीव गांधी खेल रत्न जो कि खेल का सर्वोच्च सम्मान है इसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया है बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना उन्नीस में करी गई थी बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन है यह है सौरभ गांगुली और इनके साथ सी के खन्ना सी के खन्ना ओके और आईसीसी की बात करें आईसीसी तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई और आईसीसी के इस टाइम पर चेयरपर्सन कौन है यह है शशांक मनोहर और आईसीसी के सीईओ कौन है यह है मनु सोने मनु सोने ठीक है अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में आपसे कह रहा है यह कौन सी जगह है विच प्लेस द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर ग्रोइंग ओवर द डिसग्रीमेंट्स ओवर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पांच मई वो डेट थी जिस दिन भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में लड़ाई हो गई थी और सौ से ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे दोनों तरफ के तो यहां पर क्या हुआ यहां पर ये यह जो टेंशन हो रही है कहां पर हो रही है ये इस वाले एरिया में हो रही है इस रीजन में इस रीजन में हो रही है ठीक है अक्साई में सो इट इज द ईस्टर्न लद्दाख ईस्टर्न लद्दाख सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली हु लॉन्च माई लाइफ माई योगा अ वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन आपसे कह रहा है एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन योगा के को लेकर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा जिसको इनमें से कौन सा मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए जी हाँ इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसी महीने हम लोग 21 जून को योगा डे के रूप में मनाने वाले हैं ये जो योगा डे मनाएंगे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लद्दाख में जाकर मनाएंगे और लद्दाख में 45 मिनट की योगा ड्रिल करेंगे कितने मिनट की 45 मिनट की तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 21 जून को रिसेंटली astronauts हैव डिस्कवर्ड अ रेयर स्पेस ऑब्जेक्ट which लुक्स लाइक बोथ asteroid एंड कॉमेट क्वेश्चन का मतलब पहले ध्यान से मुझे समझाने दो परेशान ना होना देखो आपसे क्या कह रहा है अभी हाल ही में जो एस्ट्रोनोट्स हैं इन्होंने एक ऐसा रेयर ऑब्जेक्ट डिस्कवर कर लिया है जो कि दोनों तरीके से दिखता है एस्ट्रॉइड की तरह भी दिखता है और कॉमेट की तरह भी दिखता है ये आपका एस्ट्रॉइड होता है और ये आपका क्या होता है कॉमेट होता है एस्ट्रॉइड और कॉमेट में डिफरेंस क्या होता है एस्ट्रॉइड की खास बात ये होती है ये रॉक और मेटल से बना होता है किससे रॉक एंड मेटल से और ये जो कॉमेट होता है बना होता है जो ऑब्जेक्ट एस्ट्रॉइड आइस और मेटल से बना होगा वो क्या कहलाएगा कॉमेट कहलाएगा और जो रॉक एंड मेटल से बना होता है वो क्या कहलाएगा एस्ट्रॉइड कहलाएगा समझ आ गई बात तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट नया डिस्कवर किया है जिसमें इसके भी गुण हैं और इसके भी गुण हैं आपसे कह रहा है इसका क्या नाम रखा गया है वो बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका क्या नाम रखा गया है बिल्कुल सही पुष्पानंद हेमलता अशोका सभी का आंसर सही है पॉइंट स्टडी आंसर सही है आपका ये है एक्टिव एस्ट्रॉइड क्या नाम है इसका एक्टिव एस्ट्रॉइड फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में साइंटिस्ट कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपसे कह रहा है अभी साइंटिस्टों ने यह पाया पिछले ही हफ्ते कि अर्थ के जैसा ही एक ऑब्जेक्ट है प्लैनेट है जो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी के चारों ओर घूम रहा है और सबसे पहले तो जानो प्रोक्सीमा सेंचुरी है क्या प्रोक्सीमा सेंचुरी सन के सबसे पास का स्टार है ठीक है आपसे एस एस क्वेश्चन भी पूछता है विच वन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ सन सन के सबसे पास का तारा कौन सा है योर आंसर विल बी प्रोक्सीमा सेंचुरी तो उसी प्रोक्सीमा सेंचुरी के चारों दो तो और घूम रहा है तो इसका नाम क्या रखा गया है इसका नाम क्या रखा गया बताइए कमेंट बॉक्स में, में लिखकर बहुत बढ़िया अशोका दीपक दीपक ओझा दीपक कुमार दोनों के आंसर सही है भाई अरुण मुंजाल आंसर सही है विच वन इज द करेक्ट आंसर यह है प्रोक्सीमा बी बी का नाम रखा गया है। रिसेंटली हु ऑर्गेनाइज कन्वेंशन ऑन एग्रियोलॉजिकल एंड आपसे कह रहा है अभी हाली में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर अभी हाल ही में कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जी हां यह लॉन्च करी गई है नीति आयोग के द्वारा अब देखो यहां पर अब देखो यहां पर अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ कौन है अमिताभ कांत अमिताभ कांत ओके okay. अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अ न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के न्यू रूल्स के हिसाब से देखो मैंने आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको एमएसएमई के लिए जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं वो भी बताए थे तो एमएसएमई के नए रूल के हिसाब से आपसे कह रहा है अगर इन्वेस्टमेंट पचास करोड़ की है और टर्न ओवर करोड़ का है तो ऐसी जो कंपनी है वो किस तरीके की यूनिट में कंसिडर करी जाएगी ऐसी कंपनी मीडियम यूनिट में कंसिडर करी जाएगी मीडियम इंटरप्राइजेस में ठीक है और एमएसएमई मिनिस्ट्री किसके पास है नितिन गडकरी नितिन गडकरी नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्युएसी क्या है नागपुर रिसेंटली आरबीआई अनाउंस दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसकंटिन्यूड आपसे कह रहा है आरबीआई ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि भारत सरकार के द्वारा कितने परसेंट सेविंग बॉन्ड डिसकंटिन्यू कर दिए गए कितने परसेंट सेविंग बॉन्ड्स डिसकंटिन्यू कर दिए गए द करेक्ट आंसर इज सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ठीक है सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई आरबीआई की स्थापना उन्नीस सौ पैंतीस में करी गई थी आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज ऑब्जेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ यूएस थर्ड उस्ताद मत पढ़ना है इसको यूएस थर्ड मिसाइल इन साउथ कोरिया आपसे कह रहा है यह कौन सा देश है जिसने अभी साउथ कोरिया के द्वारा यूएस थर्ड नाम की मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च करने की वजह से ऑब्जेक्शन जताया यह है चाइना चाइना ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था चाइना की कैपिटल है बीजिंग सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद जापान की कैपिटल है टोक्यो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद एक क्वेश्चन जापान से भी बनेगा आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने पूरे देश भर से लॉकडाउन हटा दिया है यह है जापान जापान ने देश भर से लॉकडाउन हटा दिया अगला क्वेश्चन है रिसेंटली अ रेयर फिश कॉल्ड एक स्पेशल एक रेयर प्रजाति मछली की पाई गई है इस मछली का नाम क्या है इसका नाम है स्कॉर्पिय नेगलेक्टा यह अभी पाई गई है कौन सी जगह पर तो आपको ध्यान रखना है मछली की एक रेयर प्रजाति पाई गई है जिसका नाम है स्कॉर्पिय नेगलेक्टा यह पाई गई है गल्फ ऑफ मन्नार में कहां पर मन्नार की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी कहां पड़ती है ये देखिए हिंदुस्तान है और ये है श्रीलंका तो ये 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 देखिए आपका मन्नार की मन्नार की की खाड़ी खाड़ी पड़ती है है पूरा एरिया जाफना के साउथ में थोड़ा सा और श्रीलंका में सरकार किसकी है श्रीलंका के इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षा और इनके बड़े भाई गोताबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट है यहां के गोताबाया राजपक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड 1832 करोड़ टू बिहार एंड 1407 करोड़ टू आसाम अंडर विच स्कीम भारत सरकार की तरफ से 1832 करोड़ बिहार को दिए गए और 1407 करोड़ आसाम को दिए गए कौन से मिशन के तहत तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा मिशन है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो ये कौन सा मिशन है जिसके तहत देखो ये जल जीवन मिशन है ठीक है कौन सा मिशन है जल जीवन मिशन है जल जीवन मिशन के तहत ये पैसे दिए गए हैं भारत सरकार का टारगेट है बजट 2020 के आधार पर कि साल 2024 तक हर घर जल की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है मतलब हर एक घर में टैप वाटर आना चाहिए तो ये 1832 बिहार के लिए और 1407 करोड़ आसाम के लिए आसाम में सर्वनंदा सोनवाल की सरकार है यहां पे गवर्नर कौन है यह है जगदीश मुखी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और यहां पे गवर्नर कौन है यह है फागू चौहान ध्यान रखिएगा बिहार सरकार ने अभी हाल ही में यह भी अनाउंसमेंट किया था पिछले ही हफ्ते करीब दस दिन पहले का यह अनाउंसमेंट है कि बिहार में अगर कोई भी कोविड नाइन्टीन से मौत हो जाती है तो बिहार की सरकार के द्वारा कितनी धनराशि दी जाएगी चार लाख की धनराशि दी जाएगी यह चीज ध्यान रखिएगा ओके और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है जल शक्ति मिनिस्टर है इस टाइम पर बता सकते हैं कौन है जल शक्ति मिनिस्टर अभी पिछले ही साल नई मिनिस्ट्री लॉन्च करी गई है ध्यान रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल शक्ति मिनिस्टर है अभी हाल ही में आपसे कह रहा है ये कौन सी कंपनी है जो कि पहली प्राइवेट रॉकेट कंपनी बन गई है जिन्होंने एक अपना एस्ट्रोनॉट स्पेस पर भेजा है तो पहली ऐसी प्राइवेट रॉकेट कंपनी बन गई है यह है स्पेस एक्स स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया इसकी स्थापना साल 2002 में करी गई थी तो स्पेस एक्स पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई है ठीक है देखो नासा और स्पेस एक्स दोनों ही यूएस की हैं और दोनों ही स्पेस एजेंसी हैं लेकिन जो नासा है वो गवर्नमेंटल है स्पेस एक्स प्राइवेट है रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे एज्यूम्ड चार्ज एज द फिफ्टींथ कमांडर इन चीफ ऑफ विच प्लेस अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को कमांडर इन चीफ की पोस्ट दे दी गई कहां पर गोवा पुडुचेरी अंडमान निकोबार या फिर दमन एंड दीप मनोज पांडे नियुक्त किए गए हैं अंडमान निकोबार में सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर अभी हाल ही में आपसे कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है नए सचिव मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के कौन बनाए गए हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के नए सचिव कौन बनाए गए हैं बता सकते हैं वेरी नाइस nice. दीपक का आंसर सही है दीपक ओझा का भी आंसर सही है दीपक ओझा और दीपक कुमार बिल्कुल छाए हुए हैं आज की क्लास में अविरल मंजीत अबीर विनोद सभी के आंसर सही है यह है प्रदीप कुमार त्रिपाठी आई अधिकारी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किसके पास है यह है धर्मेंद्र प्रधान के पास धर्मेंद्र प्रधान अगला क्वेश्चन है Who have observed observed the establishment day? Uh, we have observed the establishment day of Telangana on which date? तेलंगाना की स्थापना कब करी गई थी तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को करी गई थी ठीक है तो 2 जून को तेलंगाना अपना एस्टैब्लिशमेंट दिवस मनाता है या फिर बोल सकते हो स्थापना दिवस तेलंगाना में सरकार किसकी है चंद्रशेखर राव की सरकार है यहाँ पर और तेलंगाना के गवर्नर कौन है यह है तमिसलई सुंदराजन सुंदराजन ठीक है तमिसलई सुंदराजन ध्यान रखिएगा तेलंगाना सरकार से भी एक क्वेश्चन बन रहा है आपसे पूछेगा एक कौन सी राज्य सरकार है जिसने कोविड नाइनटीन पैंडेमिक के तहत स्पेशल ट्रेन फैसिलिटी चलाई इन्होंने एक स्पेशल ट्रेन फैसिलिटी चलाई है जिसका नाम है श्रमिक ट्रेन स्कीम क्या नाम है श्रमिक ट्रेन स्कीम ये जो श्रमिक ट्रेन स्कीम है इसके तहत इन्होंने सात दिन की स्कीम चलाई थी और सात दिनों में चालीस स्पेशल ट्रेन चलाई थी ठीक है तो ये जो चालीस स्पेशल ट्रेन इन्होंने चलाई थी ये चार राज्यों के लिए चलाई थी वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड और उड़ीसा इन चार राज्यों में उनके माइग्रेंट वर्कर्स को वापस भेजने के लिए यह फैसिलिटी चलाई गई थी ठीक है अगला क्वेश्चन है आर श्रीलेखा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर इन जनरल ऑफ पुलिस इन विच स्टेट यह कौन सा राज्य है जहां पर आर श्रीलेखा पहली महिला डीजीपी बनी है अभी हाल ही में बता सकते हैं चलिए मैं बताता हूं <coughs> यह बनी है केरल में सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर ओके केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है और यहां पे गवर्नर कौन है आरिफ मोहम्मद खान नाम इनका ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके okay? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड टू हाउ मेनी डेयरी फार्मर्स बिलोंगिंग टू मिल्क यूनियंस एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज भारत सरकार के द्वारा यह अनाउंस किया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड उन लोगों को दिए जाएंगे नए किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जाएंगे जो कि मिल्क यूनियन से जुड़े हुए किसान हैं ठीक है थीके? तो मिल्क यूनियन से जुड़े हुए किसानों का मतलब समझ रहे हैं क्या है इसका मतलब यह है कि ऐसे किसान जिनका डेली बेसिस पर दूध किसी ना किसी दूध की कंपनी को या फैक्ट्री को जाता है जैसे कि अमूल अमूल का हेडक्वार्टर गुजरात में है आनंद ठीक है तो अमूल को आप देखते हो अमूल लाखों किसानों से डेली का दूध लेता है तो वो बिलोंगिंग है ना मिल्क इंडस्ट्री के इस तरीके के किसानों को भी लोन फैसिलिटी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाएगी कितने किसानों को बांटेंगे ध्यान रखना है डेढ़ करोड़ किसानों को वन पॉइंट फाइव सी आर और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर कौन है यह है गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह एमएसएमई विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपी वन करोड़ एंड टर्न ऑफ रुपी फाइव करोड़ विल बी क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी अब देखो क्वेश्चन फिर से बदल गया आत्मनिर्भर भारत अभियान से ही क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी कहा था आत्मनिर्भर भारत अभियान से कई क्वेश्चन बनेंगे तो आत्मनिर्भर भारत अभियान से अकेला फिर से एक और क्वेश्चन आया है कि ऐसे MSMEs जिनका इन्वेस्टमेंट एक करोड़ का है और टर्न ओवर पांच करोड़ का है इनको किसमें कंसीडर करोगे मीडियम स्मॉल या माइक्रो कुछ लोग स्मॉल बोल रहे हैं कुछ लोग माइक्रो बोल रहे हैं अच्छा एक बार फिर से सोच लो देख लो ये कौन है हिना सैनी ओके जो लोग माइक्रो यूनिट बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है ठीक है माइक्रो यूनिट जो लोग बोल रहे हैं उनका आंसर सही है देखो ये जो माइक्रो यूनिट है ये सबसे छोटी यूनिट है बिग यूनिट तो कुछ होती नहीं है माइक्रो यूनिट में एक करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और पांच करोड़ तक का टर्नओवर चलेगा इसके बाद जो आपके स्मॉल यूनिट है स्मॉल यूनिट के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है स्मॉल यूनिट में नोट कर लीजिए अपने पास ये जो स्मॉल यूनिट है इसमें खास बात यह है कि इन्वेस्टमेंट दस करोड़ तक का और पचास करोड़ तक का टर्न ठीक है और स्मॉल के बाद आएगी आपकी मीडियम यूनिट तो मीडियम यूनिट में आपको ध्यान रखना है कि पचास करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और टर्न आपका ढाई करोड़ कितना ढाई करोड़ तो आपका मीडियम यूनिट कहलाएगी अगला क्वेश्चन है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज ऑब्जर्व ऑन विज डेट पेरेंट्स के लिए पूरे दुनिया में ये एक दिवस मनाया जाता है कौन से दिन इस दिन को हम लोग मनाते हैं ये दिन कौन सा दिन मनाया जाता है बता सकते हैं कैन यू प्लीज टेल मी बहुत बढ़िया कियान दीपक हरलीन प्रीति सभी के आंसर सही है ये है फर्स्ट जून फर्स्ट जून को मनाते हैं यूएन के द्वारा इसको मनाया जाता है अगला क्वेश्चन है स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैजेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट विच ऐप विद एक्सपोजर नोटिफिकेशन एपीआई ऑफ एप्पल एंड गूगल देखो हिंदी में समझ लो पहले आराम से क्या बोल रहा है परेशान ना होना बढ़बड़ाना नहीं सुनो आपसे बोल रहा है अभी हाल ही में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा दुनिया का पहला एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि एपीआई बेस्ड है और एप्पल और गूगल दोनों के फोन में सपोर्ट करेगा एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ठीक है तो ये आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड है तो इस तरीके का पहला एपीआई बेस्ड ऐप लॉन्च क्या है स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने तो इस ऐप का नाम क्या है तो आपको ध्यान रखना है इस ऐप का नाम है स्विस कोविड क्या नाम है स्विस कोविड ऐप Who has become the new secretary of Ministry of Chemical and Fertilizer? Ministry of Chemical और Fertilizer के नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है ये कौन है दीपक ओझा ये दीप, दीपक लोगों का आज बिल्कुल वर्चस्व बना हुआ है कमेंट बॉक्स के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग कर रहे हैं आज आर के चतुर्वेदी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर ठीक है और आर के चतुर्वेदी आई एस अधिकारी हैं इन्होंने किसको सक्सीड किया है इन्होंने पी राघवेंद्र को सक्सीड किया किसको पी राघवेंद्र इनसे पहले ये थे सचिव मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में अकॉर्डिंग टू अ स्कॉटलैंड रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन लैंड एनिमल अभी हाल ही में स्कॉटलैंड की एक रिसर्च में पता लगा कि यह दुनिया का सबसे पुराना लैंड एनिमल है इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी बताइए इसका नाम क्या है ये जो आपको वॉर्म जैसा दिख रहा है जो आपको कीड़ा दिख रहा है इसका नाम क्या है ये देखिए इसके ब्लू प्रिंट्स भी मिले हैं ये शायद आप देख पा रहे हो थोड़ा सा ब्लर है बताइए इसका नाम क्या है बहुत बढ़िया जो लोग फर्स्ट वन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है इसका नाम है कैंपी कैरियस ऑबनेंसिस क्या नाम है कैंपी कैरियस ऑबिनेंसिस ओके द वे आपको बता दूं बोसेलेफस किसको बोलते हैं यह साइंटिफिक नेम है आपका नील का किसका नील का और पाओ क्रिया क्रियाता किसको बोलते हैं यह बोलते हैं आपका पीकॉक को और रैटस रैटस किसको बोलते हैं यह बोलते हैं ब्लैक रैट को काला चूहा ठीक है तो यह रैट का है साइंटिफिक नेम यह पीकॉक का है और यह नील गाय का है और यह तो आपके सामने ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एंड एस दोनों ने अभी साथ मिलकर इनमें से कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है ऑप्शन आपके सामने है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए एस और एस अभी दोनों ने साथ मिलकर कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है देखो अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो यहां पर बता देता हूं यह है आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यह है आपका स्पोर्ट फेडरल ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स फेडरल ऑफ इंडिया ठीक है तो स्पोर्ट्स फेडरल ऑफ इंडिया और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है आंसर करिए आ गया आंसर ज्यादातर लोग चौथा आंसर कर रहे हैं ये कौन है भाई तुषार शर्मा तुषार शर्मा का कहना है एक दो तीन चार ऐसा ना करो यार ऐसा सितम ना करो जो लोग फोर्थ आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही है ठीक है ये है खेलो इंडिया ई पाठशाला ओके खेलो इंडिया ई पाठशाला अगला क्वेश्चन है फेमस स्प्रिंटर इनका नाम क्या है इनका नाम है बॉबी मोरो अभी हाल ही में बॉबी मॉरो का निधन हो गया कौन से देश से बॉबी मोरो बिलोंग करते थे यूएस से इजिप्ट से कनाडा से या ब्राजील से आंसर करो जल्दी से कहां से बिलोंग करते थे कहां से बिलोंग करते थे बता सकते हैं बिल्कुल सही अरे ना भाई ब्राज़ील से नहीं यूएस से बिलोंग करते थे ध्यान रखिएगा अभी चौरासी साल की उम्र में इनका निधन हो गया यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन इजिप्ट की कैपिटल है कायरो कैनेडा की कैपिटल है ओटावा और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया ध्यान रखिएगा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जैल बोलसोनारो इस बार साल 2020 में हमारा जो रिपब्लिक डे होता है ना 26 जनवरी इस दिन हमारे चीफ गेस्ट थे जब जैल्स बोलसोनारो भारत आए इस बार तो भारत और ब्राज़ील के बीच में फिफ्टीन पैक्ट्स पर हस्ताक्षर हुए पंद्रह पैक्ट्स पर साइन हुए थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन निसर्ग, निसर्ग नाम का अभी तूफान आया था यह तूफान कहां पर हिट किया है यह कौन से कोस्टल एरिया को इसने हिट करना था ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया को हिट करेगा और इसने महाराष्ट्र के एक रीजन को हिट भी किया है ठीक है तो यह कब आया था यह आया था तीन जून को तीन जून को पिछले हफ्ते जस्ट एक हफ्ते पहले गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है आंध्र प्रदेश में वाई एस जगमोहन रेड्डी की सरकार है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है कर्नाटक में बी एस येद्यूरपा की सरकार है केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है उड़ीसा नवीन पटनायक वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी उड़ीसा में गवर्नर हैं गणेशी लाल वेस्ट बंगाल में हैं जगदीप धनखड़ कर्नाटक में है वजू भाई वाला केरल में आरिफ मोहम्मद खान आंध्र प्रदेश में है विश्वभूषण हरिचंदन महाराष्ट्र में है भगत सिंह कोसियारी गुजरात में है आचार्य देवव्रत ठीक है अगला क्वेश्चन है ये देखिए ये लोकेशन थी इधर से ये इस तरीके से मूव कर रहा था और ऐसे इधर से ये मूव करता हुआ आ रहा था इस तरीके से और इसने हिट किया है कहां पर इस वाले एरिया पर इसने हिट किया है ठीक है इसको ऐसे जाना था आगे बट ये आगे नहीं गया फिर जाना यह था कि सौराष्ट्र रीजन पर जाके हिट करता ऊपर लेकिन यह यहीं पर हिट किया है इस जगह पर इसने हिट किया है। और ध्यान रखिएगा, पिछले ही साल 2019 के आखिर में इस वाले एरिया में, उड़ीसा में कौन सा आया था तूफान फैनी आया था फैनी साइक्लोन जब फैनी आया था तो इसकी रफ्तार कितनी थी इसकी रफ्तार थी 220 किलोमीटर पर आवर और इसी साल एक और आया है एम्फन साइक्लोन एम्फन ये जो एम्फन आया है, ये कहां आया है ये आया था वेस्ट बंगाल में एम्फन की स्पीड थी 200 किलोमीटर ये जो एम्फन आया है और फेनी आया था इन दोनों के लिए उड़ीसा सरकार और वेस्ट बंगाल सरकार को भारत सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक हजार एक हजार करोड़ की धनराशि दी गई है दोनों राज्यों को वेस्ट बंगाल और उड़ीसा सरकार ठीक है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च्ड दिल्ली कोरोना ऐप मोटो ऑफ दिस ऐप टू आपसे कह रहा है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया इस ऐप का मोटो क्या है बता सकते हैं व्हाट इज द मोटो ऑफ इस ऐप चलिए मैं बता देता हूं इस एप्लीकेशन का मोटो है कि आप इसकी मदद से वेंटिलेटर्स और हॉस्पिटल बेड ट्रैक कर सकते हो दिल्ली में ठीक है कि आपको इस ऐप की मदद से पता लग जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल में बिना जाए आपको पता लग जाएगा कौन से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं बेड अवेलेबल हैं या नहीं ठीक है इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक स्कीम चलाई थी फरिश्ते दिल्ली के फरिश्ते दिल्ली के ध्यान रखिएगा ये जो तो फरिश्ते दिल्ली की स्कीम थी इसमें खास बात ये थी कि इसके तहत अरविंद केजरीवाल की सरकार ये बोलती है कि आप दिल्ली में कोई भी रोड साइड एक्सीडेंटल केस हो उस पे उस व्यक्ति को आप हॉस्पिटल पहुंचाइए और आपको गारंटी दी जाती है कि आपसे कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी पुलिस इंक्वायरी नहीं होगी साथ में जो हॉस्पिटल है उनको मुफ्त में इलाज देना होगा सारा पैसा रिम्बर्स करेंगी इनकी सरकार अभी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लॉकडाउन हटने के बाद कितने परसेंट कोरोना फी लगाई थी शराब के ऊपर सत्तर परसेंट कोरोना फी इन्होंने लिखकर सर्विस के ऊपर लगाई थी साथ में ध्यान रखना है इन्होंने ही फाइव प्लान लॉन्च किया था ये 50 प्लान भी कोविड-19 के लिए था और एक इन्होंने ऑपरेशन शील्ड प्रोग्राम भी लॉन्च किया है ये जो ऑपरेशन शील्ड प्रोग्राम है इसके तहत दिल्ली के जो कंटेनमेंट एरियाज हैं वहाँ पर जा जाके घरों-घरों में जाके लोगों को कोविड चेकिंग करी जाएगी हु हैज बिकम द हाइएस्ट पेड एथलीट इन 2024 फोब्स लिस्ट 2020 के लिए फोब्स लिस्ट अभी जारी कर दी गई है फोब्स के द्वारा तो इसमें <coughs> सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी कौन है सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। कौन है रोजर फेडरर। कहां के खिलाड़ी हैं ये ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं स्विस खिलाड़ी हैं। ओके रोजर फेडरर की कमाई कितनी है इनकी कमाई एक साल की है 106 मिलियन डॉलर कितनी 106 मिलियन डॉलर अब यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं दिखाता हूं ये देखिए नंबर वन पे रोजर फेडरर नंबर दो पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर तीन पे लियोनल मेसी नंबर चार पे नेमार उसके बाद ली बॉन्ड जेम्स उसके बाद स्टीफन क्यूरी इसके बाद केविन दूरंत टाइगर बोट्स किर्क क्विजिंस और कैरसन वेंट्स यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी रही साल दो में तो सबसे ज्यादा सैलरी आप देख लो सैलरी सबसे ज्यादा है बहत्तर मिलियन और ये किसकी है ये है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी की तो सैलरी लियोनल मेसी की बहत्तर मिलियन है लेकिन अगर सैलरी देखा जाए तो रोजर मीडिया रोजर फेडरर की सैलरी केवल छह मिलियन ही है लेकिन हंड्रेड मिलियन के इनके पास ब्रांड एंडोर्समेंट है क्योंकि एडवर्टीजमेंट इतने हैं कि इनकी कमाई सबसे ज्यादा है समझ गए ओके अदरवाइज सैलरी मेसी नंबर वन कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन तो तो नहीं तक तो नहीं है भाई किसी को जी हां विराट कोहली छाछवें नंबर पे हैं। एक डायलॉग मांगता है कौन सा डायलॉग सुना दूं <coughs> चलिए वही वाला डायलॉग सुना देता हूं तीसरी शर्त तो मंजूर ही नहीं हो सकती सुल्तान पढ़ो पढ़ो क्या लिखी है तीसरी शर्त तीसरी शर्त तो ये यह लिखी है सुल्तान कि जब तक राघव चैतन का सर मेवाड़ नहीं पहुंच जाता तब तक पालकियां नहीं उठेंगी मंजूर है सुल्तान कैसी बात कर रहे हैं हमने आपका साथ दिया मंजूर है ले जाओ इसे ले जाओ मंजूर है <laughs> और बताएं क्या हाल है आप लोगों के कैसे हैं आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं सी जी एल सी एच एस एल एग्जाम देखिए जिन लोगों को पता नहीं है जिन लोगों को क्लास की टाइमिंग नहीं पता है उनको बता देता हूँ मेरी क्लास टाइमिंग होती है ऑल्टरनेट डेज में रात दस बजे टेन पी एम में डेली आता हूँ डेली नहीं मतलब ऑल्टरनेट डेज में आता हूँ जैसे आज आ गया हूं तो कल छोड़ के परसों फिर आऊंगा फिर एक दिन छोड़ के तो एक दिन छोड़ के मेरी दस बजे यहीं पर क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जो लोग मेरा कोर्स अकेडमी प्लस पर ज्वाइन करना चाहते हैं यह है मेरा रेफरल कोड इसका यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ज्वाइन कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं रिसेंटली ऑन विस डेट वी हैव वर्ल्ड बाइसिकल डे वर्ल्ड बाइसिकल डे हम लोग किस दिन मनाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे किस दिन मनाते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आज तो काफी थकान हो गई है वर्ल्ड बाइसिकल डे ये कौन है शुभम देवगन कुछ नहीं आता है तो क्या हुआ आने लगेगा ना थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करिए और थोड़ा सा मुझे समय दीजिए क्लासेस में थोड़ा सा समय दीजिए चीजें आने लगेंगी समझ गए तो थर्ड जून थर्ड जून देखते हैं ना ऊट पटांग सा नंबर होता है कोई पैटर्न भी नहीं होता है उसके बाद भी गर्लफ्रेंड का नंबर याद हो जाता है ना क्यों याद हो जाता है क्योंकि बार बार कॉल करने का मन करता है बार बार मैसेज करने का मन करता है अपने आप दो दिन में गर्लफ्रेंड का नंबर याद हो जाता है क्यों होता है केवल इंटरेस्ट की वजह से इंटरेस्ट है अगर इंटरेस्ट ना हो तो वो भी याद नहीं हो सकता समझ गया बात को ओके दोस्तों के नंबर याद नहीं रहते गर्लफ्रेंड का हो जाता है याद क्यों हो जाता है दोस्तों में इतना इंटरेस्ट थोड़ी है जितना गर्लफ्रेंड में होता है सिमिलरली सब याद होगा परेशान ना हो इंटरेस्ट लेने की देर है इंटरेस्ट थोड़ा सा जगाओ क्लासेस को टाइम दो अगर मेरी क्लास में आ रहे हो तो ये मेरा वादा है कि अपने आप ही इंटरेस्ट जग जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी हाल ही में ये यूनियन कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके किसके नाम पर रखने का यहां पर वादा किया है केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके किसके नाम पर रखेंगे ये हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस का नाम रख दिया जाएगा ठीक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे ध्यान रखना है ये जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में थे और उन्नीस हो गई थी आजादी के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक डिड इंडिया गॉट इन 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साल 2020 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट लॉन्च करी गई जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए भारत ने इसमें कौन सी रैंक सिक्योर करी है हिंट दे सकता हूं कि इससे पहले भारत की रैंक सत्रहवीं थी अभी भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है बिल्कुल सही तेईसवीं रैंक भारत ने यहां पर सिक्योर करी है <coughs> और ध्यान रखिएगा स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में नंबर वन पे कौन सा है नंबर वन पे है यूएस अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू इंप्रूव कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ द एनवायरमेंट भारत ने अभी इनमें से किस देश के साथ यह पैक्ट साइन किया है कि एनवायरमेंट के फील्ड में यह देश भारत का साथ देगा भूटान के साथ यह पैक्ट साइन किया गया है और यह बनता भी है क्योंकि भूटान दुनिया का अकेला कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट एरिया है मतलब कहने का कि भूटान अकेला ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड का जहां पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है ओके okay, और भूटान में सरकार किसकी है यहां के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग क्या नाम है लोटे शेयरिंग और भूटान की कैपिटल थिम्पू भूटान में करेंसी चलती है गल्ट्रम भूटान भूटान का नेशनल गेम क्या है आर्चरी आर्चरी तीरंदाजी नेपाल की कैपिटल काठमांडू यहां पर सरकार है खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली की चाइना कैपिटल बीजिंग यहां पर सरकार है शी जिनपिंग की यूएस की कैपिटल वाशिंगटन यहां पर सरकार है डोनाल्ड ट्रंप की नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्स्ड पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी अभी हाल ही में इनमें से किसने पूरे भारत के लिए रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च करी है बताइए फिर इसका मैं आपको एडवांटेज भी बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर केवल आंसर बताइए <coughs> ये कौन है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है बिल्कुल सही ये हैं राजकुमार सिंह क्या नाम है राजकुमार सिंह और ये पावर मिनिस्टर हैं ओके पावर मिनिस्टर अब देखो इसका मतलब क्या है ये जो रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च किया गया है इसका मतलब ये है देखो है क्या कि हर दिन जैसे शेयर मार्केट में आप देखते हो ना प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं वैसे ही हर दिन इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस भी फ्लैक्चुएट होते रहते हैं तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है इस कंपनी ने मान लीजिए रिलायंस है रिलायंस भी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए रिलायंस है रिलायंस को बारह तारीख से नई इलेक्ट्रिसिटी किसी एरिया में प्रोवाइड करनी है तो रिलायंस को मान लीजिए एक हजार यूनिट प्रोवाइड करनी है तो रिलायंस भारत सरकार से पहले एक हज़ार यूनिट खरीदेगी तो रिलायंस जब खरीदेगी तो आज की डेट में मान लीजिए बारह तारीख को इन्हें डिलीवर करना है आज मान लीजिए दस तारीख है आज इनको पर यूनिट का रेट आठ रुपए लग रहा है मान लीजिए तो यह आठ रुपए के हिसाब से खरीद लेते हैं कल को या बारह तारीख को जब बेचने जाते हैं तो इनको पता लगता है कि आज रेट और कम हो गए हैं छः रुपए यूनिट के हिसाब से बिक रही है तो अगर ये आज खरीद लेते तो इनको फ़ायदा हो जाता तो ये जो रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी है इसके तहत जितने भी प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि वो एक घंटे पहले तक साठ मिनट पहले तक भी इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं अभी तक इसके लिए प्रावधान था कि एक हफ्ते पहले तक खरीदनी ही खरीदनी है अब इसके तहत वो 60 मिनट पहले तक मतलब अगर 12 तारीख को शाम को पांच बजे भी सप्लाई करनी है तो चार बजे तक आप खरीद सकते हो समझ गए बात क्या कंडीशन है आई होप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए चेयरपर्सन बने हैं वीरेंद्रनाथ दत्त क्या नाम है वीर दत्त इसकी स्थापना करी गई थी नाइनटीन में और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का हेडक्वार्टर है नोएडा अभी हाल ही में आपसे कह रहा है उड़ीसा सिक्किम और इन तीनों में इन चारों में से कौन सा स्टेट है विच इन वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम तो आपसे कह रहा है तीन राज्य उड़ीसा सिक्किम और मेघालय गोवा आसाम मिजोरम इन चारों में से कौन है जिसको वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम के तहत जोड़ दिया गया बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। <coughs> इसके तहत केवल यही स्टेट नहीं पूरे बीस स्टेट इसके तहत जोड़े जाएंगे बहुत बढ़िया ये कौन है निशु विश्वजीत आंसर सही है आप सभी के बीराची नारायण आंसर सही है भाई और बिराची क्या हाल है आपके अविरल आंसर सही है आपका राहुल मीना आंसर सही है आपका बिल्कुल सही है देखो ये है मिजोरम ठीक है भारत सरकार का कहना है कि एक अगस्त तक एक अगस्त तक पूरे बीस राज्यों को जोड़ दिया जाएगा इस स्कीम के तहत वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम का मतलब यह है कि अभी तक देखो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनका जो राशन कार्ड बनता है इस राशन कार्ड पर उनके एरिया का जो राशन की जो दुकान होती है वही राशन की दुकान अलॉटेड होती है वो केवल वहीं से राशन ले सकते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा उसी एक कार्ड से वो कहीं पर भी काम कर रहे हो पूरे देश भर में किसी भी राज्य में उस जगह पर जाके वो अपना राशन ले सकते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लखनऊ का रहने वाला है तो वो दिल्ली में नहीं ले सकता राशन कोई मुंबई का रहने वाला या मान लीजिए बिहार का रहने वाला कोई है मजदूर वो अगर मुंबई जाके काम कर रहा है तो मुंबई में ही अपना राशन लेता रहेगा उसी कार्ड का यूज करके ये इसका मेन मोटो है सो करेक्ट आंसर इज मिज़ोरम मिजोरम में पूजोरम थंगा की सरकार है आसाम में सर्वनंदा सोनवाल की सरकार है गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार है राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है यह तो सबको पता होगा कि रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया गया है इनको भी ध्यान रखिए अमित पंगल और विकास कृष्णन दोनों को नॉमिनेट किया गया है किसके लिए राजीव गांधी खेल रत्न के लिए सो फर्स्ट एंड सेकेंड अमित पंगल आपके बिलोंग करते हैं हिसार से और जो विकास कृष्णन है ये आपके रोहतक के पास से बिलोंग करते हैं रोहतक के पास से दोनों ही हरियाणा से बिलोंग करते हैं ठीक है कौन सा खेल खेलते हैं ये दोनों बता सकते हैं कौन सा खेल खेलते हैं ये दोनों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए बहुत बढ़िया गुरप्रीत ये बॉक्सर्स हैं तो इन दोनों को उत्कृष्ट खेल के लिए भारत सरकार की तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा विच स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट स्वस्थ मित्र इन स्वस्थ मित्र नाम की स्कीम अपने सभी गांवों में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है यह लॉन्च करी गई है अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा अब देखो स्वस्थ मित्र है क्या स्वस्थ मित्र के तहत हर गांव से एक मेल कैंडिडेट और एक फीमेल कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाएगा ठीक है ओके समझ गया बात को तो ये जो लोग नॉमिनेट किए जाएंगे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी भारत सरकार के द्वारा जितनी भी हेल्थ स्कीम चलाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी हेल्थ स्कीम चलाई जा रही है उनको गांव तक पहुंचाना लोगों की केयर करना क्या आप बता सकते हो इसके तहत कितने लोग रिक्रूट किए जाएंगे इन्होंने यह भी अनाउंस किया है कि इसके लोग कितने इसके कितने इसके तहत लोग रिक्रूट किए जाएंगे कैन यू प्लीज टेल मी बताइए जल्दी से एक लाख बिल्कुल सही जया का आंसर सही है देखो एक लाख लोग इसके तहत रिक्रूट किया जाएंगे अभी मैं पीडीएफ के बारे में भी बता दूंगा क्यों परेशान हो रहे हो एक लाख लोग इसके तहत रिक्रूट किए जाएंगे इसके तहत इन्होंने चालीस हजार फोर्टी थाउजेंड ग्राम पंचायत सिलेक्ट करिए <coughs> तो चालीस हजार ग्राम पंचायत में एक लाख लोगों को रिक्रूट किया जाए करीब मतलब एक एक गांव में समझ रहे हो ना दो दो लोग एक मेल और एक फीमेल ऑलमोस्ट अस्सी हजार हो गए बीस हजार प्लस कर लो और इनका आंकड़ा है तो एक लाख लोगों को रिक्रूट किया जाएगा इसकी एलिजिबिलिटी यह है कि उम्र चालीस से साठ साल के बीच में होनी चाहिए उन्हीं को रिक्रूट किया जाएगा रिसेंटली हुई विद आई आई एफ एल फिनेंस एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसिडर अभी हाल ही में आई आई एफ एल फिनेंस ने पहली बार अपना ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया है किसको इन्होंने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया है सो फोर्थ द करेक्ट आंसर तो आज की बात रहेगी यहीं तक और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस बैच के बारे में जान लें। ये बैच 15 जून से स्टार्ट होने जा रहा है स्पेशली सी के लिए और आने वाले सी के लिए वैसे ये पूरा कोर्स सी सी के लिए डिजाइन है जो लोग भी इस पर एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं ये सारे आप फैकल्टीज देख सकते हो स्क्रीन आप ले लो अगर लेना चाहते हो कि कौन आपको क्या पढ़ा रहा है यहाँ पर ये देख लीजिए एक्चुअली स्पेशली ये सी एच एस एल के लिए किया गया है कि लास्ट मोमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी एस एस सी एडुकेटर्स तो सारे हैं ही हैं कुछ उसमें से सारे टॉप एडुकेटर्स भी हैं नेक्स्ट है आपका डेडिकेटेड टाइमिंग फॉर ई सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का टाइमिंग क्लैश नहीं करेगा अलग अलग रहेगा फाउंडेशन लेवल का बैच है मतलब ए टू जेड से स्टार्ट करके ए से लेकर जेड तक खत्म किया जाएगा कंप्लीट बेसिक्स कवरेज है बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है हमें पता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको इस टाइम पर एम लगाना जरूरी है तो पी भी प्रोवाइड करेंगे वीकली क्विज और मेगा क्विज तो है ही है ओके <coughs> okay. ये है मेरा रेफरल कोड वरुण ट्रिपल सेवन आप इसका यूज कर लेना अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आपको दस परसेंट डिस्काउंट अन अकेडमी पर मिल जाएगा कोई भी बोल रहा है कि इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो मत मानिएगा उसकी बात इतना ही डिस्काउंट मिल रहा है जितना भी डिस्काउंट है उसके ऊपर दस परसेंट ठीक है तो इसका यूज़ कर लेना अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो आज की बात यहीं तक परसों इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे ओके okay, कोई कन्फ्यूज़न है आप लोगों के तो बताइए कल मैंने और हाँ ये लाइक like क्यों कम है लाइक बढ़ाओ आप लोग सुल्तान को बेपना मोहब्बत बख्शो बख्शो भाई प्रिंस मैंने आपको प्राइस देखिए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है ट्वेल्व मंथ्स का सिक्स थाउजेंड है अगर आप लगाते हो वन ट्रिपल सेवन तो आपको फिफ्टी फोर हंड्रेड पड़ जाएगा ट्वेंटी फोर मंथस का लेते हो तो वैसे सेवेंटी टू हंड्रेड का है सिक्सटी फोर हंड्रेड का पड़ जाएगा बारह महीने से नीचे लेने वालों में आई थिंक कोई फायदा है नहीं ज्यादा तो बारह महीने या चौबीस महीने का ही लें ज्यादा फायदा मिलेगा नरेश एक्चुअली क्या है कि पी मैं प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में मंथ के एंड में मैं एक ही बार पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ ठीक है तो अगर आपको मे की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी मे की मैंने प्रोवाइड करा दी है पूरी जून की जब जून खत्म होगा लास्ट तारीख में तब होगी ठीक है सुल्तान के अलावा कौन सी मूवी का डायलॉग अच्छा लगता है मुझे तो हर मूवी अच्छी लगती है मूवी भी मैं मन से देखता हूँ और सारी मूवी देखता भी नहीं हूं कोई भी बस बॉलीवुड होनी चाहिए मूवी चलिए आज की बात यहीं तक हाँ बताइए चांदनी जल्दी से बताइए चांदनी फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चन है धन्यवाद अविरल धन्यवाद आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो बस इतना ही आपसे चाहिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है रात तक पढ़ाने का मन करता है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर थोड़ा सा मोरल डाउन होता है तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए इतना आपसे चाहिए सपोर्ट इतना सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रिंस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ले लीजिए आपके टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है उसका वरुण अवस्थी जीएस डिस्कशन है वरुण अवस्थी जीएस डिस्कशन आपको टेलीग्राम पे विकास सब मिल जाएगी 2020 की पीडीएफ सब मिल जाएगी कहा तो लेकिन एक चीज बता देता हूं एक चीज बता देता हूं मेरी पीडीएफ की खास बात यहां पर देख लो मेरे पीडीएफ में कहीं पर भी आंसर लिखे मिलते हैं क्या आंसर लिखे कभी नहीं मिलते हैं सारे आंसर यहां से निकलते हैं एक बार क्वेश्चन बना देता हूं अगले एक साल तक करंट अफेयर पढ़ाता हूं एक भी क्वेश्चन जाता नहीं है और सब कुछ यहीं से निकाल के पढ़ाता हूं तो यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं मैं अपनी पीडीएफ में आंसर नहीं देता हूं कभी तो ध्यान रखना आपको पीडीएफ पकी पकाई नहीं मिलेगी मैं स्पून फीडिंग कराने पर बिलीव नहीं करता हूं कि आपको आंसर दे दिए फिर वो आपके मोबाइल फोन में सड़ रही है रियालिटी इज दिस जिन लोगों को बुरा लग सकता है लग सकता है बट रियालिटी आजकल यही है स्टूडेंट्स पीडीएफ पीडीएफ पूरे दिन रात इकट्ठा करते रहते हैं मोबाइल में पीडीएफ पड़ी हुई है कोई मतलब नहीं है खोल ही नहीं रहे पीडीएफ क्यों क्योंकि पता है कि दस दिन पहले एकदम से जादू का पिटारा खोलेंगे और मैजिक निकल आएगा अल्लाह दिन निकल आएगा उससे और पास करा देगा ऐसा कभी नहीं होने वाला मेरी पीडीएफ आपको ऐसी मिलेंगी जैसे मैं पढ़ा रहा रहाँ बिना आंसर की और मेरे जितने भी प्लस के स्टूडेंट हैं वो सब इसका प्रिंट आउट निकालते हैं और प्रिंट आउट निकालने के बाद क्लास में बैठते हैं और जिस टाइम पे मैं पढ़ा रहा होता हूं उसे टिक करते हैं लिखते हैं सारी चीजें अगर आप यह कर पाओ तो मेरी पी लीजिए टेलीग्राम से अदरवाइज आपके काम की नहीं है आपको थोड़ा बुरा लग सकता है क्योंकि पकी पकाई खिचड़ी ज्यादातर लोगों को चाहिए लेकिन माफ करना दोस्त इंस्पेक्टर ऐसे नहीं बनते हैं और ना ही सरकारी नौकरी आपको पता होना चाहिए भारत में केवल चार परसेंट लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं अगर छियानवे परसेंट की कैटेगरी से निकल के चार परसेंट में आना चाहते हो तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा समझ रहे हो ना बात को बाकी आपकी मर्जी चलिए बाय बाय टेक केयर हैव डे हाँ जी वो पाँच सौ पाँच सौ पूरे होंगे चलिए बाय एवरीवन टेक केयर हैव नाइस डे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय एवरीवन